मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना देते। दोस्तों मैं भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता आईआईटी खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। दोस्तों आधुनिक भारत की नींव बीएचईएल बनाने से रखी जाती है, सेल बनाने से रखी जाती है। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है।